नगर निगम मंडी द्वारा आगामी जो आपदा आने की संभावना हो सकती है, वैसे तो आनी नहीं चाहिए, लेकिन नगर निगम मंडी अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, जो भी नालियां है उनको खोला जा रहा है। नगर निगम मंडी, PWD, NH और इन सभी से निवेदन रहेगा कि जो भी नालियां हैं उनको समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से खोल दिया जाए। बाकी जो भी खतरनाक पेड़ है जिनकी इंस्पेक्शन हो चुके हैं, हमने फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को भी लिखा है कि उन पेड़ों को जल्द से जल्द काट दिया जाए ताकि होने वाले नुकसान से बचा जा सके। निगम की कल साधारण बैठक है, आपदा से निपटने के लिए हम उसमें तय करेंगे कि जैसे युवाओं की टीम बनाई जाएगी, युवाओं के साथ साथ वार्डों में हमारे फौजी या कोई अफसर या पुलिस से रिटायरी हैं, फायर विभाग से रिटायरी हैं, उन लोगों की हम एक संयुक्त टीम बनाएंगे कि जिससे एकदम आपदा आने पर वो टीम जो है अपने वार्ड स्तर पर या निगम स्तर पर कार्य कर सके और जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। इसके लिए हम लोगों के सुझाव मांगेंगे। गत वर्ष 2023 में जुलाई और अगस्त माह में आपदा आई थी जिसमें लैंडस्लाइड हुआ था और ब्यास नदी के बढ़ जाने से भी काफ़ी घरों को नुकसान हुआ था। उसका जो था पूरे निगम क्षेत्र में लगभग 36 करोड़ रुपए का आंकलन करके सरकार को भेज दिया गया था, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई भी धनराशि हमें प्राप्त नहीं हुई है। अब आचार संहिता भी ख़त्म हो चुकी है, लोग हमारे पास आ रहे हैं कि हमारे डंगे गिर गए थे, अभी मकान को खतरा है, लेकिन नगर निगम मंडी के पास अपना कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा बजट नहीं है कि हम उनके घरों को बचा सके। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि जो भी प्रांकलन यहाँ से बनकर गए हैं 36 करोड़ के, वो जल्द से जल्द नगर निगम को जारी कर दिए जाए ताकि लोगों के जो घरों को खतरा बना हुआ है उसे दुरुस्त किया जा सके।